खबर रामपुर के उत्तर प्रदेश से। पातालेश्वर शिवालय पौराणिक 5000 वर्ष से महाभारत कालीन इतिहास समेटे हमरेया महादेव मंदिर को ऐतिहासिक राष्ट्रीय पर्यटन स्थल को स्थापित करने व आर्थिक रूप से पिछड़ रहे जनपद रामपुर को विकसित करने के उद्देश्य से श्री पातालेश्वर शिवालय सेवा ट्रस्ट भमरोहा की तरफ से उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रमुख सेवादार संदीप अग्रवाल सोनी ने बताया कि पौराणिक काल महाभारत के समय से भामराओ महादेव मंदिर का इतिहास रहा है, इसीलिए इस स्थल को ऐतिहासिक राष्ट्रीय पर्यटन स्थल विकसित करने में भवराओ महादेव मंदिर से जुड़ी 40 बीघा भूमि को मंदिर में शामिल करना अति आवश्यक है। उपजिलाधिकारी ने महोदय से आश्वासन दिया है कि अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान निस्तारण कराया जाएगा। इस अवसर पर सतविंदर विराट, प्रवीण गुर्जर, महेंद्र सेनी, मिलन सक्सेना, लालमन सेनी आदि लोग उपस्थित रहे। रामपुर से जिला ब्यूरो चीफ नासिर सूरी की खास रिपोर्ट। अधिकारी महोदय को आज ज्ञापन दिया है और उनको इस बात के लिए अवगत कराया है कि मेला शिवरात्रि की भूमि 544 की और 574 जो अवैध रूप से हमारे कुछ लोगों ने बेच दिया था वो मंदिर में शामिल कराया जाए, मंदिर के नाम दर्ज कराया जाए। इससे पूर्व भी फायर नंबर जिलाधिकारी महोदय राम सजीवन महोदय जी को जिलाधिकारी जिन्होंने दर्ज कराया था। हम लोग लगातार इस मामले में प्रयास कर रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे, इस मामले में लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय को भी हमने अवगत कराया था, आज SDM महोदय नहीं आई हैं उनको भी अवगत करा दिया है, पीछे हम आए थे तहसीलदार महोदय को अवगत करा दिया। हमारा एकमात्र मकसद है, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें अपने नाम कोई नंबर दर्ज नहीं कराना है, हमें तो भोले बाबा के नाम दर्ज कर नाम दर्ज कराना है। श्री पातालेश्वर शिव मंदिर भमरोहा के नाम जमीन सारी दर्ज हो जाए और जमीन जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, किसी का रेता पड़ा है, किसी की ईंटें पड़ी हैं, किसी ने उस पर शौचालय बना दिया, किसी ने उस पर दीवार खड़ी कर दी, तो इस प्रकार से जिन लोगों ने किसी ने मकान बना लिया वो सारी जमीन खाली होनी चाहिए और जमीन को खाली होकर भव्य जनपद रामपुर के लिए कॉरिडोर तैयार हो, पर्यटन केंद्र बने। जैसे आगरा के अंदर ताजमहल एक रौनक है जिसकी वजह से आगरा ताजमहल का पर्यटन केंद्र बन गया, तो भमरोहा महादेव के नाम से पर्यटन केंद्र बने और 100 बीघे जमीन हम पूरी करेंगे और इसके लिए हम सब लोग कुर्बानी देने को त्याग करने को तैयार हैं। 100 बीघे का विशेष कॉरिडोर तैयार होगा जिसके अंदर 20-25-50 बसें पर डे आएंगी और पर्यटनों को उसका लाभ मिलेगा। 7.5 बीघा जमीन है, उस पर अवैध तरीके से कब्जा करा हुआ है, वहाँ मदरसा, स्कूल और शौचालय बना दिया है। हमने SDM साहब महोदय से ये निवेदन किया है कि पहले ये हमारी जवान मुक्त करा दी जाए ताकि वो उसमें जो पैसा माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है वो उसमें लगा सके। तो SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और जल्द